नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, याहू देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र अक्का डिलारी में बीती रात बदमाशों ने महेंद्र यादव के घर को निशाना बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। महेंद्र यादव की पत्नी ने बताया कि रात को अचानक बदमाश छत के रास्ते से घर में घुस आए और पूरे परिवार को हथियारों के बल पर और पूरे परिवार को हत्या की धमकी देकर उन्हें बंधक बनाकर उनसे लूटपाट की। घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और 30,000 रुपए की नकदी लूटकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सुबह होते ही पुलिस को सूचित किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और वारदात का जल्द से जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। सर, जो ये घटना घटी है, क्या मामला? एक सूचना मिली है, उसमें लूट की घटना की वो आई है। उसमें 3-4 लोग थे और ये मालती देवी हैं काड़ीलाली गांव में। ये जब रात को सो रही थी तो उन्होंने तमंचे, एक आदमी ने तमंचा दिखाया, बाकी सब ने लूट की घटना की है। और उसमें जो सामान गया है वो 25,000 रुपये और 3 आइटम है, गोल्ड ज्वेलरी के, जिसमें अंगूठी है और एक हार है। सर, एक ही जगह डकैती हुई है? नहीं, ये डकैती एक ही, मतलब लूट की जो घटना हुई है वो एक ही जगह हुई है। सर, जिस तरह से थाना क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाएं 7-8 दिन में बुरी तरह से बढ़ी हैं, अभी पीछे हीरो होंडा का शोरूम भी काटा गया था, क्या सर इसमें पुलिस की क्या ढील है? क्या चोरों पर कोई शिकंजा निकस पा रही है पुलिस? नहीं, इसमें हम कर रहे हैं और जल्दी इसका अनावरण भी करेंगे। सर्दियां शुरू होते ही चोरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद के मोंडा पांडे थाना क्षेत्र में दीपावली से अब तक लगभग एक दर्जन चोरियां हो चुकी हैं और पुलिस के हाथ अभी तक चोरों से बिल्कुल खाली है, या ये कहें कि पुलिस के इकबाल पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की चोरियां हो रही हैं, लेकिन चोरियों का अभी तक कोई खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। ऐसा ही मामला थाना क्षेत्र के अक्का डिलारी का सामना है, जहां बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए उसके अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घर से सोने की चूड़ियां, नकदी और सामान जो थे वो बदमाश समेट कर ले गए हैं। पुलिस ने मौका मुआयना तो किया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बदमाशों से खाली है। किसी भी बदमाश को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। कैमरा पर्सन साहिद हुसैन के साथ नसीम खान, सीएमएन न्यूज, मुरादाबाद।